सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, बताओ क्यों। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस, मेरे को मिला ऐसा खतरनाक सा डायनो, ऐसा खतरनाक सा डायनो जो आपने कभी सोची ना होगी। मैं आपको फटाक से जो है ना गाइस वो डायनो दिखा देता हूँ। ये रहा वो, अबे यार ये किससे फाइट कर रहा है भाई, फैंटम वाला शैडो मीन। जब वल्चर को लेके मैं यहाँ पे ऐसे भाई घूम रहा था, तभी मेरे को ये फैंटम वाला शैडो मीन दिखाई दिया यार। हाँ, इसका टॉर्बर काफी ज्यादा तगड़ा वाला है, लेकिन अगर मैंने इस एक बार इसको टेम कर लिया ना, तो भाई पूरी दुनिया कर लो फिर मुट्ठी में भाई। देख रहे हो इस शैडो मीन को, आज के एपिसोड में तुम्हारा भाई किसी भी कीमत पे टेम करके रहेगा। और ये शैडो मीन जो है ना जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ऊपर से 550 लेवल का मिल गया यार मेरे को, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ गाइस। और आज के एपिसोड में किसी भी कीमत पे मैं उस शैडो मीन को जो है ना गाइस टेम करके रहूंगा। लेकिन गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले इंट्रो मार लेते हैं। गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का। और गाइस आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे और चैनल पे जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, गाइस फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है गाइस ऐसी खतरनाक एंड ओपी सी वीडियोस बनाने के लिए। तो फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ना मेरे भाई लोग। तो चले भाई लोग खतरों से भरा हुआ हमारा एडवेंचर शुरू करते हैं। तो जाके फटाक से उस खतरनाक से पैंटम वाले शैडो मीन को टेम करते हैं। क्या करूं क्या करूं, कैसे कैसे पीड़ी पीड़ी पीड़ी। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है पता है क्या, वो गाइस शैडो मीन है गाइस, ठीक है। और शैडो मीन की एक भाई स्पेशल बात ये, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको भाई यहां पे कोपचेवाड़े में ले दो, वरना बेच के एक बैंड ना बच जाए इसकी। पीड़ी बेटा यार अब तुम्हारा वाले वतन से आती हो बेटा, थोड़ा सा उसको टेम करने में हेल्प कर देना यार, ठीक है। ज़्यादा नहीं भाई, 600 मिलियन, कुछ 600 मिलियन है, 6 लाख का टॉर्पोर देना है। और शैडो मीन की गाइस एक स्पेशल बात ये होती है, वो किसी भी डायनो को यहाँ पे अच्छा मेरे को लगा मर गया क्या, बैठा हुआ था हमें वो सोचा मर गया गाइस वो। गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस, इस वाले शैडो मीन की एक स्पेशल बात ये होती है कि हेलो, इसको टॉर्पोर नहीं चढ़ा पाया तो उसको क्या चढ़ाऊंगा, बाबा जी का टुल्ला भाई। इसको मैं टॉर्पोर ना चढ़ा पाया तो उसको क्या चढ़ाऊंगा भाई, इतना ज़्यादा टॉर्पोर कैसे चढ़ पाएगा उसको। अबे रुकना भैंस क्या, रुक जा रुक भैंस क्या, रुक रुक भाई तेरे को तो बेहोश करके रहूँगा, छोड़ चला जाओ। इसको चुम्मी देता और भाग जाऊंगा, ए भागो। इसका जो ना कि स्पेशल अटैक है गाइस, वो अटैक ये कि ये जो ना कैसे आपको डिटेक्ट करके हवा में भी डायरेक्टली ऐसा खच करके आके मार सकता है। आपको देखना है वो अटैक, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ। गाइस देखना है, डरना नहीं है, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं भाई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा है, देखना गाइस देखना। हेलो ये मार ही नहीं रहा मेरे को, ये देखना हवा में हूँ मैं, हवा में हूँ मैं बेटा। ओए वाह, ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं हवा में जाने से ये मेरे को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। आई थिंक मेरा पीटी जो जिस क्लास का है उस क्लास के डायनो के ऊपर स्पेशल अटैक नहीं दे पा रहा, और मैं इसके डिटेक्शन से भाई डायरेक्टली ये हो रहा हूँ गाइस। वाह खतरनाक भाई, मैं टेम करके आपको स्पेशल अटैक दिखाऊंगा इसका, रुको। ये ले बेटा, चलो भाई वो सार्को को भाई चुम्मा दे दे बेटा। भाई खतरनाक भाई, मेरे को लगा था कि यहाँ पे जो ना मेरी बैंड बच जाएगी, बट लकीली यहाँ पे अपनी बैंड नहीं बजने वाली। ए ए कल आना बेटा, कल आना, कल कल ठीक है, आज मूड नहीं बेटा तेरे से फाइट करने का। चल भाई वुल्फ गाय उंगली कर रहा है यहाँ पे भाई, गाइस देख रहा हूँ खतरनाक खिलाड़ी, डाइव मार मार के इसको नॉकआउट करूंगा भाई। चले बेटा चल, खतरनाक खतरनाकम खतरनाकम भाई, फैंटम शैडो मीन के साथ साथ अबे वो डायरवुल्फ भी नॉकआउट हो गया यार बेचारा, ठीक है भाई। गाइस ऐसा मेरे को करना पड़ेगा, बार बार ऊपर जाओ वापस से नीचे आओ, बार बार ऊपर जाओ वापस से नीचे आओ, उसके मुंह के सामने रह के मैं मार नहीं सकता उसको गाइस, वरना काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गाइस दिक्कत क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, रुको। ले बेटा गोलू बेटा मास्ती नहीं है, किधर किधर बेटा, उधर भग रहा है क्या, अभी भग रहा है तो अच्छी बात है यार मेरे लिए। कैप्रो 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 से बच गए, कैप्रो से बच गए। बे यार ये रहा, तभी बोलो भाई कहाँ पे चला गया भाई, ये इनविजिबल हो जाता ना तो दिखता नहीं बिल्कुल भी यार, ठीक है। ये ले ले ले, काफ़ी बढ़िया, हाँ नाइस वन, नॉकआउट हो गया। कोई पीछा तो नहीं कर रहा, एक कापरू कापरू पीछा कर रहा, कापरू पीछा कर रहा। चलना भाई हवा में कर दिया ना नॉकआउट, क्यों बेटा हवा टाइट परफॉर्मेंस। लीज बीज तो नहीं लगी ना यहाँ पे, लीज दिखाई दे रही है मेरे को, एक एक देख दो, एक नहीं दो है, दो दो लीज है भाई, दो लीज है भाई। आ याक याक भाई भाई उड़ जा यार, ये लीच लीच तो नहीं लगी ना, लीच नहीं लगी यार,
ये लीज बहुत ज्यादा घटिया लगती है यार मेरे को, बहुत ज्यादा घटिया होती है। मर गई सारी भाई। अरे बस कर भाई, चावना चोरो, तुमको क्या अलग से बताओ मैं अभी। अरे इनको चूल मची है यार। हेलो कौन बे, क्या क्या सामान लेके भगेगा, सामान लेके भगेगा भाई क्या? रुक जाओ भाई, इनको चूल मच रही है तुम लोग को। रुक जाओ पहले इसको मार, इसने मेरा सामान चुराया कुछ तो भाई, मारने में 400 साल लग जाएंगे। चुपचाप इसका भाई इन्वेंटरी से सामान निकाल लेता हूँ। क्या चुरा था बेटा? अच्छा इसने कुछ भी ना चुराया शायद। ठीक है छोड़ो भाई, आ जाओ अपने भाई चाडोमिन को डेम कर लेते हैं। क्या चाहिए? अरे यार डिलीशियस येल्लो वाला इंडी यार, येल्लो वाला बना पाऊंगा क्या पता नहीं भाई। डिलीशियस फैंटम ईटीआर भाई बना पाओ यार, प्लीज 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 भाई, फलाना डिलाना चीज़ें मत मांगना यार प्लीज यार भाई। येल्लो वाला वो डिलीशियस बनाना यार मेरे को। इसकी वो स्मृति कहाँ पे? हाँ ये रही डिलीशियस बेटा, ये वाला। हाँ क्या चाहिए? सब दो है ना भाई, क्या चाहिए? ये कोर सोलवेंट स्केयर्ड बाई फलाना डिलाना, क्या भाई ये चाहिए? कोर सोलवेंट कुक्ड मीट जर्की सिल पैंथम। गाइस चीटिंग मार रहा है मेरे साथ। डार्क मैटर नबूला जेनुला, ये काई का डार्क मैटर नबूला भाड़ में जाए भी, मेरे को नहीं चाहिए ये भाई। गाइस चीटिंग मार रहा। गाइस मेरे को चाहिए वो फैंटम गाइस, वो बहुत रेयर होता है गाइस। गाइस मैंने बोला था कि इसमें अपन चीट बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, बट ओनली वन टाइम एक ही बार में सिर्फ मैं एक वो डिलीशियस वाला ट्रीट लेता, सिर्फ एक ओनली वन। क्योंकि गाइस वो डायनो जो है ना गाइस, जो वहाँ पे मिला है वो काफ़ी रेयर होता है यार, एक्सट्रीम रेयर डायनो यार वो, तो इसलिए जो ना गाइस किसी भी कीमत पे मेरे को चाहिए यार, किसी भी कीमत पे चाहिए। और अपन जो ना गाइस उसको किसी भी कीमत पे टेम करके रहेंगे, तो ओनली जो ना गाइस वन यहाँ पे मैं जादू से मांग लेता, यहाँ पे मैं कुब्जे में बैठ के प्रार्थना करता जादू अपन को डिलीशियस वाला ट्रीट दे देगा, सिर्फ एक ही गाइस। ठीक है रुको गाइस रुको। A few moments later. ओए गाइस जादू ने जो ना गाइस हमको दे दिया भाई डिलीशियस वाला वो ट्रीट, लेकिन उसने बोला है कि भाई ये अबे अरे गाड़ी मेरे को बार बार डरा देती है यार, ये उछलती रहती है गाइस। उसने बोला कि इससे सिर्फ एक ही डायनो टेम करना है, तो अपन इसी को टेम करेंगे। ये लेट्स गो गाइस। कापरोदा सूचस, पीछे ना पड़ जाए यार, देखना ले मेरे को मुँह टो टो। अबे जाओ ना बे, कलाना बेटा कलाना कलाना। ये देखो भाई ये डिलीशियस वाले ट्रीट सारे इसके अंदर डाल दूंगा मैं, ठीक है सारे के सारे डाल दूंगा बेटा, खा ले फूड बार। अरे ये ले फूड बार का टेंशन काहे ले रहा है, खा ले। ओ टेम हो जा बेटा, टेम हो जा बिंदास टेम हो जा बिंदास। अच्छा नो से टेम होगा भाई, अच्छा वाह एक ने लेके आया भाई मैं। ठीक है हो रहा है गाइस, हो रहा है एकदम ओपी वर्क करते हो हम बोल रहा हूँ। ये शैडो मिन फैंटम वाला यार हो गया टेम, लेट्स गो भाई। फैंटम शैडो मिन का सैडल चाहिए, ये कहाँ से लेके आओ भाई? रुक जा भाई घर पे जल्दी, फैंटम शैडो मिन का सैडल बनाने के लिए क्या चाहिए पहले मेरे को देखने दो गाइज। इसका सैडल भी चाहिए होता है क्या इसको? ये मेरे को बता नहीं था कि इसका सैडल भी होता है करके गाइज। भाई रुक जाओ मैं देख लेता हूँ शैडो, ये वाला है क्या फैंटम शैडो? अरे ये तो भाई बच्चा भी बना ले। जेल फैंटम ईटीआर जेल, अबे जेल नहीं है क्या? अबे जेल तो थी मेरे पास, अब भर के जेल है यहाँ पे, जेल इसके अंदर नहीं है क्या डाली? जेल कहाँ पे डाल रखी है मैंने? मैं भर भर के मेरे पास जेल थी भाई, अब मेरे इन्वेंटरी में भी जेल हो गई यार। अच्छा जेल नहीं है, रुक जा भाई जेल तो मैं डालते रहता होगा इस, मैंने इसके अंदर डाली थी। ये खींच नहीं पा रहा है क्या? ये रही जेल फैंटम ईटीआर, जेल एंशिएंट भाई जेल। ओ मेरे को किसी फैंटम क्रीचर को मारना पड़ेगा इसका सैडल बनाने के लिए। अबे यार फैंटम गाचा किधर है? गाचा फ्रेंड अबे नज़दीक नहीं है क्या? अच्छा ये वाला नज़दीक है भाई, किधर भाई? 5730। चलो गाइस गाचा फ्रेंड करना पड़ेगा गाइस मेरे को 5730 पे जाके। यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, गच्चा को मारेंगे फैंटम वाला जेल लेके आएंगे, और भाई फैंटम वाला भाई अपना जो भाई थाइलो बोल दिया भाई शैडो मिन जो उसका सैडल बना लेंगे, इजी पीजी ब्रो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का भाई। ठीक है लोकेशन बोले तो 3057 भाई, पहले 57 पे पहुँच, 30 पे तो ऐसे पहुँच जाएंगे अपन भाई। 57 बोले तो इधर, एंड 30 बोले तो 30 किधर है बाबा? 57 पे पहुँच गया सीधा, ऐसा उड़ उड़ के 30 जाना है। अच्छा यहीं पे था क्या? मैं थोड़ा सा भाई घूम फिर के आ गया, ये यहीं पे था भाई 57 30।
कच्चा कच्चा फ्रेंड, पैंटम वाला कच्चा है यहाँ पे। 5730 ठीक है। हाँ ओके भाई, कच्चा है का कच्चा? ओए कच्चा, अरे चच्चा किधर हो? कच्चा चच्चा अभी दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ पे भाई वो कच्चा? 5730। अच्छा 57 पे जाना है, 59 पे आ गया, 5730 पे जाना है क्या? कहाँ पे भाई? एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मिल जाएगा क्या भाई? मेरे को तो कच्चा दिखाई नहीं दे रहा भाई यहाँ पे, अबे कच्चा चच्चा दिखाई नहीं दे रहा यार मेरे को। पैंटम कच्चा है तो बोले भाई ये लोग, मैं उस पेगासस के नज़दीक जाना नहीं चाहता बिल्कुल भी भाई। ब्लड क्रिस्टल वाइब्रन भाई, नॉकआउट नॉकआउट ने पैसिव टेम वाला है भाई ये। 5730 पे नहीं है क्या ये? पेगासस बिगासस ने उसका गेम बजा डाला क्या कच्चा का? कोई लग तो ऐसे रहा ये पेगासस लोग ने जो ना जिसका गेम बजा डाला गाइस कच्चा का भाई, कच्चा चच्चा का जो ना का गेम बजा डाल लग रहा है मेरे को। मैं जाके देख के आता कि 5730 पे एक्चुअल में कच्चा है भी या नहीं भाई, अगर होगा तो अपन टेम कर लेते हैं भाई ठीक है। चलो आ जाओ फटाक से वापस से चेक कर लेता हूँ पैंटम वाला कच्चा है कि नहीं भाई वहाँ पे। मेरे को ब्लड ब्लड नहीं सॉरी जेल तो चाहिए होगा किसी भी कीमत पे। पैंटम कच्चा 5730 कहाँ पे? अबे देख के आके कुछ भी नहीं वहाँ पे। 57.99 30.82 ठीक है चला जा। 57.99 and 30.82 भाई ठीक है, देख लेते भाई कहाँ पे गाचा है भाई ये। उसको पेल के भाई अपन को लेके भी तो आना है, 59 पे होता है ना मैं। हाँ 57 और 30.82 पे जाना है अपन को भाई ठीक है। ऑल राइट 57.99 पानी के अंदर तो नहीं है ना गाइस? 57.99 पे पहुँच पहले, 57.99 हाँ बस एंड उसके बाद 30.82 जंगल के अंदर है बोलना भाई। इसकी आग जंगल में मंगल कर रहा है क्या काचा? 57.82 भाई यहाँ पे कहीं पे गाचा है बोल रहे गाइज, वो वॉच में दिखाई दे रहा गाचा नहीं दिखाई दे रहा। आ ये रहा हमारा प्यारा सा गाचा। इससे मारूंगा तो कुछ भी ना मिलेगा मेरे को, ऐसी क्रीचर से मारना पड़ेगा जिससे भाई मैं किसी को हार्वेस्ट कर सकता हूँ। लाइक ले किससे मारूँ इसको भाई, मेरे पास ये भी क्या ऐसा ट्रॉपिकल क्रिस्टल वाइब्रन के अलावा और कुछ है भी नहीं जिससे मैं मार सकता हूँ इसको। म्यूजिक स्टेक एकाइट डेविल पेट ना भाई, स्टार जियोंग अबे कुछ तो होगा, एंशेंट पॉइजन अर्जेंटेविस ब्रिजेंटेविस भरे पड़े यार मेरे पास, ऐसा डायनो नहीं कोई क्या जो भाई बेसिक सा नॉर्मल सा डैमेज दे पाए? बायोनिक ईगा तो बहुत ज़्यादा घटिया यार। ड्रैगन स्पैरो एक फट के मर जाएगा उसके बाद मैं हार्वेस्ट कर लूँगा इसको। हाँ मस्त प्लान है गाइस, प्लान तो मस्त है, मस्त प्लान है। हाँ हाँ काफ़ी बढ़िया, हार्वेस्ट में करेगा बेटा इसको ठीक है। चलो आ जाओ डन 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 एंड हार्वेस्ट करने के लिए अपन यूज करेंगे अपना स्पेशल हथियार भाई ठीक है। आ जाओ भाई मेरे को जेल दे दे बेटा, जेल 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 जेल, इन्वेंटरी में कुछ नहीं है ना भाई, जेल दे बेटा। ओ यस पैंटम मीटियर जेल मेरे को मिल चुकी है गाइस, इसी का तो इंतजार था मेरे को। अभी अपन जो ना गाइस हमारे शैडो मिन का जो ना गाइस सैडल एक चुटकी बजा के बना पाएंगे, चुटकी बजा के भाई डरते क्या गाइस। आ जाओ चलो आ जाओ बेच के आग भाई, ये डाल दे सारा सामान इसके अंदर भाई, मजाक हो रहा है भाई। जेल तो मेरे को भर भर के मिल गई यार, मिड मेरे को पहले ड्रॉप कर रहे थे, मिड मेरा किसी काम का नहीं है भाई ठीक है। सारा मिड मेरे को ड्रॉप कर रहे थे जो मेरे किसी काम का नहीं है। और भाई अभी जो ना कि जिसके अंदर मैं डालने वाला हूँ जेल भाई ठीक है। ओ भाई भाई पैंटम वाली जेल अपन को फाइनली मिल चुकी है भाई, और भाई इसके साथ साथ कुछ भाई सीड बीड बेरी बेरी भी मिल चुकी है। रुक जाओ मैंने गलती से किसी डायनो को, हाँ इस डायनो को इसके अंदर डाल दिया था ठीक है। ले बेटा ये ले भाई सारा जेल का जिसके अंदर अपन को ट्रांसफर करना है, एंड उसके बाद जो ना गाइस अपन यहाँ पे चालू कर देंगे अपना काम भाई ठीक है। यहाँ पे बना बेटा शेडो मिन का सैडल ना मेरे भाई, बना ले बना ले बना ले, खतरनाकम खतरनाकम ब्रो। चलो भाई चलो 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 भाई सारा पोशन पिशन इसके अंदर डाल दे भाई, ये रेड वाला को EDR मिला था वो भी डाल दे, रेड वाली पावरफुल एरोज मिली थी वो भी डाल दे, सारा सामान मेरे को नहीं चाहिए भाई ठीक है। ये फ्लेम भी मिला है वो भी डाल देता हूँ ठीक है। चलो डन 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 डन, और ये सैडल दे दे मेरे को। मेरा शैडो किधर है बेटा? शैडो मिन आए हाय मेरे शेर गाइस, अभी शैडो मिन को राइड करने का टाइम जो है गाइस वो आ चुका है भाई। शैडो मिन से तो फुल तबाही मचाएगा ना तेरा भाई। इक्विप सैडल, अरे रुकना नज़दीक तो आना बेटा,
अबे हेलो, अच्छा इसे होता है क्या? ओ, इसके अंदर भाई आर्मर फ्री मिलता है गाइज, इसके अंदर ये वाला आर्मर फ्री मिलता है। ये आर्मर पहनाने से इसका कलर चेंज हो जाता है भाई, ठीक है? इसका लुक देखना पहले। इसके लिए एक लाइक तो बनता है गाइज, इस शैडो मैन के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। इसका ये वाला लुक आपको पसंद आ रहा है या फिर आर्मर के बिना वाला जो लुक है ना गाइज वो पसंद आ रहा है, मेरे को नीचे कमेंट मार के बता देना है गाइज, ठीक है? देख रहे हो कितना ज्यादा ओपी और खतरनाक दिख रहा है, और इसके पास मिस्टर इंडिया की घड़ी है, ये इनविजिबल हो सकता है गाइज शैडो मैन भाई, ठीक है? लाइक दिस भाई, ठीक है? अच्छा इनविजिबल वाला क्लॉक इसका भाई खराब हो चुका है, बड़े भाई इनविजिबल होने का काम करता है भाई, और कुछ टाइम तक दिखाई भी नहीं देता है। काफी ज्यादा ओपी और खतरनाक वाला शैडो मिले, और अभी आप अपन इसकी जितनी भी लेवल अप आई है उतनी करने वाले, और उसके बाद फुल टू तबाही मचाने वाला है जिसकी ऑटोमेटिक हीलिंग नहीं होगी लग रहा है। लेवल अप करने पर देख रहे हो कैसे चिल्ला रहा, ओ भाई क्या चिल्ला रहा है यार लेवल अप करने से। देखो 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 देखो, खतरनाक यार गाइज, ये तो काफी ओपी है। अभी मैंने इसको टेम क्यों करा पता है क्या गाइज, रुक जाओ अभी आपको दिखाता, अभी दिखाता मैं आपको, मैंने इसको टेम क्यों करा गाइज, रुक जाना रुक जाना। डायनो दिखना, डायनो दिखाओ, डायनो दिखाओ, अभी देखो ऐसा अपन करेंगे ना, उसके बाद ऐसा करके ऐसा अपन डायरेक्टली फेल सकते किसी को भी, ऐसा बस अपन को ये अपना एरो जो है ना गाइज ये, ओ ये कुल डाउन पे, ये देखो ऐसा लेके जाना है और डायरेक्टली पेटी। अभी ये जो अटैक है ना गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों काम आता है भाई अपने। हाँ वैसे इसके पास कौन कौन से अटैक है मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइट अटैक है, सी वाला अटैक है जिसे इनविजिबल होता है जो अभी नहीं हो रहा, एक्स वाला अटैक है, उसके बाद एक्स वाला कोई भी अटैक नहीं है। इसके पास एक्चुअली में जो अटैक है ना गाइस वो क्या होते बताया गया गाइस, मेड बूस्ट पे एक्टिव होता है इसका अटैक, इसका अटैक जो ना मेड बूस्ट पे एक्टिव होता है, और अभी जो ना गाइस मेड बूस्ट को नहीं मिला है। अपन एक और शैडो मैन टेम करने की कोशिश करेंगे भाई, ले बेटा हवा में पीटी बनते हुए देखना चाहोगे गाइस, ये पीटी उड़ा हवा में, ये हवा में उतना ज्यादा ऊपर नहीं फिर भी हवा में, हाँ अभी ऊपर है ना गाइस, अभी ऊपर है ना गाइस, ये देखना अभी कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, ये ले गाइस हवा में जाके पीटी की पेटी बना के तुम्हारा भी वापस नीचे आ गया। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है बताओ, ये ना एकदम डेंजरस वाला, इसको भी ये भाई अपना शील्ड भी बना देता भाई, ठीक है? चला ना, आ जा बेटा आ जा, किसको पेलू, वो पीटी को पेलू गाइस, ये ले बेटा पार्ट से खत्म गाइस, हवा में सीधा पेटी, मजाक समझ रखे हो तुम्हें, हमारे शैडो मैन को मजाक समझ रखे हो भाई, रुक जाओ वो वाले पीटी को ये ले बेटा पार्ट से हेडशॉट गाइस खत्म भाई। ऐसे हवा में डायनोज को मारा जाता है, इसलिए मैं गाइस अपना जो पीटी था ना गाइस उसको ऐसा भाई एक जगह पे स्टिल रख नहीं रहा था भाई, क्या क्या मूर्ख बालक हो, क्या मरना है तुमको, पता है मैं कौन हूँ, पता है मैं कौन हूँ बेटा, बेटा पता है मैं कौन हूँ, चल भेज क्या भाई, चल भेज क्या भाई, यार हेलो स्पेशल अटैक करने नहीं दे रहे, मैं बाइट अटैक करके मार दूंगा भाई, अपने पास थोड़ी स्पेशल अटैक इकलौता अटैक है भाई, अपने पास खतरनाक वाला बाइट अटैक भी होता ना बाबा भाई, इसमें कुछ खास चीजें नहीं मिली, मैं सारा ड्रॉप कर लेता भाई, और मेरे को आई थिंक मैक्स लेवल मिल चुके हैं गाइस यहाँ पे, मेरा डैमेज 1 मिलियन में जाने वाला ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ पे मेरे को, ठीक है 1 मिलियन डैमेज, इसको मार मारना प्लीज 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 प्लीज, अबे प्लीज ना इसको 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 भाई, अबे यार नीचे उतर क्या भाई, इसको हवा में उड़ाना है मेरे को, ओ क्यों ओपी कलर वाला डायनो है, ए उड़ना हवा में, अबे उड़ना हवा में, और इसका जब बार गाइस यहाँ पे फूल हो जाता है ना गाइस, ये नीचे वाला एक बार देख रहे हो वो जब फूल होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको मैं आपको बार फूल करके दिखाता, वो बार फूल करने के लिए आपको किल करने पड़ते, और वो बार फूल होने के बाद आपको एक स्पेशल एबिलिटी होती है मेटिंग बूस्ट, वो एक्टिव हो जाती है, उस मतलब एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो सिर्फ मेटिंग बूस्ट से एक्टिव होती है, आपका वो बार फूल होने से वो एबिलिटी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी अपना बार फूल हुआ नहीं है, और ना ही अपने पास कोई फीमेल है जो कि इसको मेटिंग वाला बूस्ट दे सके और अपनी एबिलिटी एक्टिव हो सकेगा, ठीक है? और रुक जाओ मेरे को पहले इसका बार फूल करने दो, उसके बाद भाई मैं आपको इसका लुक दिखाता भाई, ठीक है? अभी इसका लुक देखना गाइस, बार फूल हो गया, हाँ भाई बार फूल होने के बाद अपने शैडो मैन का लुक देखना गाइस, ये देखो इसकी आंखों में से आग निकलने लग जाती है, इसके मुंह में से आग निकलने लग जाती है गाइस, देख रहे हो? और इसके पूंछ को भी लग जाती है यहाँ पे आग, और ये जो ना गाइस अभी फुल्ली पावर हो चुका है, इसको जो ना गाइस स्किल कर करके पावर देनी पड़ती है, और अभी अगर अपन अपना स्पेशल अटैक यूज करने की कोशिश करें जो कि भाई एक्स वाला अटैक, तो उसके लिए जो ना गाइस मेड बूस्ट होना जरूरी है गाइस, अगर अपने पास मेड बूस्ट होता है ना गाइस तो अपन अपना स्पेशल एबिलिटी जो है ना गाइस वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने पास अभी फिलहाल के लिए मेड बूस्ट नहीं है, उस रीजन से अपन अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहे। वैसे अगर इसका डैमेज की बात करें तो इसका डैमेज जा रहा है टोटल यहाँ पे 4 लाख का, जो कि काफी खतरनाक एंड ओपी डैमेज है, और बाइट अटैक जा रहा है गाइस 1 लाख का। वैसे भाई इसका डैमेज जो ना गाइस वो उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, फिर भी मेरे को जो ना गाइस ये शैडो मैन काफी ओपी लगा, अभी तक टेम करा हुआ सबसे ओपी डायनो ये शैडो मैन है गाइस। उसको ट्रॉफी कंटेस्ट को उड़ा सकता है क्या भाई, इसको इस वाले ट्रॉफी कंटेस्ट को, अबे किसको मारा,
मैंने एलिगेटर को मार दिया यार गलती से यार। मेरे को वो आसमान में उड़ने वाले ट्रॉपिक एंटस को टारगेट करना था, बट आई थिंक उतने ऊपर वाले अपन टारगेट को टारगेट नहीं कर सकते यार भाई। एक सडन रेंज होती है, उसी में अपन टाइनोस को टारगेट करके मार सकते हैं। तो गाइस आपको हमारा ये खतरनाक डोपी सा शैडो बिन कैसे लगा यार? इस वीडियो एंड करने का मन नहीं कर रहा यार, ये तो चलाते रहने का मन कर रहा है, काफी ज्यादा ओपी। ओ एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, आपने अगर देखा होगा कि मैंने उस भाई मुर्गी के ऊपर टारगेट करके उसको मार दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं टेलीपोर्ट हो गया। तो गाइस एक्चुअली में हमारा शैडो बिन जो है ना गाइस, वो कभी भी टेलीपोर्ट नहीं करता गाइस, कभी भी टेलीपोर्ट नहीं करता, ये जो ना गाइस फ्लैश बन जाता है। देखना कैसे, अभी मैं उस मुर्गी को मारने वाला हूँ। एंड जमीन पे देखना कहाँ से आया, कहाँ से मैं अबे आया कहाँ से भाई, रुक जाओ मैं आया कहाँ से, वहाँ से भाई। ओके ये देखो गाइस क्या लगी है गाइस यहाँ पे आग गाइस, अपन इतना ज़्यादा स्पीड में चल दे कि डायरेक्टली पूरे जमीन को ये देखना आग लग जाती है। देख रहे हो जहाँ से अपन भग भग के आते हैं ना स्पीड में, वहाँ पे डायरेक्टली आग लग जाती है। सुपर फास्ट डाइनो है, इतने फास्ट गाइस यहाँ पे दौड़ता है ना, इतने फास्ट अपने टारगेट को जाके मारता है कि डायरेक्टली जमीन पे आग लग जाती है भाई, ठीक है। तो गाइस ये खतरनाक सा सुपर फास्ट भाई खतरनाक सा फैंटम वाला शैडो बिन आपको कैसे लगा, मेरे को नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना। अगर आपको हमारा शैडो बिन पसंद आया होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस। अभी तो सब्सक्राइब बनता है गाइस शैडो बिन के लिए। और आपको इसका भाई विदाउट आर्मर वाला है फिर आर्मर वाला लुक, इन दोनों में से कौन सा वाला लुक पसंद आया मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना। ये देखो गाइस सी अटैक साइड जा बेटा, ये निकाल। अबे यार ये निकाल नहीं पा रहा हूँ क्या वो, मैं आई थिंक कोई तो मोड में बैठा हुआ यहाँ पे। ओके ठीक है वो मैं, अच्छा वो वाले मोड में था, हाँ ठीक है चल छोड़ दे इसको, नाइस पेल दे। एंड ये वाला निकाल, अरे यार शील्ड निकाल ही नहीं पा रहा, पता नहीं कोई तो ग्लिच हो गई होगी। चलो कोई ना, तो गाइज आपको कौन सा वाला लुक पसंद आया मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना। और गाइज आपको हमारा जो है ना शैडो बिन पसंद आया कि नहीं वो भी बता देना, और इसके लिए एकदम ओपी वाले नाम भी नीचे कमेंट में सजेस्ट करना नहीं भूलना। तो मिल जाएगा सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के गाइज आर्क मिथिकल वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा वाह भाई गुड बाय गाइस। कैसे घात लगा के चल रहा है भाई, ओ भाई इस रीजन से जो है गाइस, हाँ ये घात लगा के बैठा है इस रीजन से, शायद मैं जो ना गाइस यहाँ पे वो अपना हटा नहीं पा रहा था। ओ भाई क्या ओपी है गाइस। गाइस चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय गुड बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop.